नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शॉप के YouTube चैनल में गाड़ी जो है वो ऐसी गाड़ी है कि इसकी डिमांड इतनी हाई थी मतलब आज भी इतनी हाई है की कंपनी को नया इसका मॉडल निकालने के बाद भी पुराना क्लासिक वेरियंट निकालना पड़ा सिर्फ इस लुक की वजह से और इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जैसा कि हम अपने पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है द कार शॉप के नाम से आप प्ले स्टोर पर जाइए द कार शॉप बिना स्पेस दिए दी, आप वहां पर टाइप कीजिए तो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन में जाकर के हमारी जो बाकी की फैसिलिटीज़ है जैसे कि सेल परचेज फाइनेंस और इंश्योरेंस ये इन सारी फैसिलिटीज को हम करते तो वहाँ पे जाकर के आप और जो इसका पहले आता था 2019 के रजिस्ट्रेशन के साथ अब आने लग गई है स्कॉर्पियो एन मगर कंपनी ने स्कॉर्पियो क्लासिक भी निकाल दी है सिर्फ यही रीजन की वजह से लोगों की डिमांड जो थी वो स्कॉर्पियो क्लासिक को लेके बहुत ज्यादा हाई थी और एन को लेके थोड़ी सी एज कम्पेयर टू क्लासिक कम हो गई थी तो कंपनी को दोबारा यही लुक निकालना पड़ा तो सेम लुक में लाए हैं और गाड़ी बहुत दमदार है 2019 के रजिस्ट्रेशन के साथ डीजल वेरिएंट में तो आपको परफॉर्मेंस से लेके माइलेज और गाड़ी की जो भौकाली जो ताकत है रोड प्रेजेंस है वो आपको कहीं भी कमी नहीं मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की तो क्या क्या फीचर्स इसमें मिल जाते हैं आयुष देखो गाड़ी में फीचर्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं ये आपको एस फाइव में मिल रही है तो इसमें आपको फीचर्स की बात करें तो आपको फ्रंट में ही पहले तो आप चेक करोगे इसका जो लुक है सबसे पहले तो लुक की बात कर ले लुक जो है इसका बहुत ही बल्कि लुक आता है बीस्ट वाला लुक आता है मतलब आप सड़क पर अगर इसे लेकर चल रहे हो चाहे आप रॉन्ग वे पे भी चल रहे हो सामने वाला हमेशा यही सोचेगा कि आप राइट वे पे चल रहे हो और वो रॉन्ग वे समझ के कंफ्यूज हो जाएगा तो ऐसी गाड़ी है ये देखो गाड़ी में फीचर्स आपको यूजफुल सारे मिल जाते हैं मगर जो गाड़ी जानी जाती है एक तो अपनी रॉ परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती है कि इस गाड़ी को आप गड्ढे वाले इलाके में ले जाओ पहाड़ों में ले जाओ चाहे आप किसी भी जगह ले जाओ इसे ये गाड़ी हर जगह अपनी परफॉर्मेंस ऐसी ही देती है जैसे सीधी रोड पे देती है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में आपको किसी भी जगह लैग नहीं मिलने वाला इसलिए ये गाड़ी सबसे ज्यादा आप देखोगे कि गांव वाले एरियाओं में ज्यादातर आपको स्कॉर्पियो ही मिलेगी तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है प्लस बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो ग्राउंड से बहुत ही ज्यादा ऊंची है ये गाड़ी तो कहीं भी गाड़ी नहीं लगती और अगर फीचर्स की बात करें तो आपको फीचर्स भी काफी यूजफुल मिल जाते हैं जैसे कि आपको पहले फ्रंट में फॉग फॉगलैम मिल जाते हैं और इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है और आपको इसमें जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो आपको नॉर्मल वाला मिलता है मगर इसमें कस्टमर ने टच स्क्रीन अपग्रेड करवाया है कंपनी का तो इसमें आपको टच स्क्रीन एक्स्ट्रा मिल रहा है रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है और पीछे की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा स्पीकर रखे हुए हैं बड़ी आपको मिल जाती है नाइन सीटर में तो नाइन सीटर इसकी आरसी पे भी मैंशन होता है जैसे कि आप देखोगे कि इनोवा या फिर फॉर्चूनर की बात करें तो वो सेवन सीटर में आती है स्कॉर्पियो आपको नाइन सीटर में मिलती है तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि इसमें स्पेस के साथ साथ आप ज्यादा लोग भी जा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर और सबसे अच्छी बात जो गाड़ी की है वो है कि जो आजकल की एसयूवीज आती है वो एक तो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है और उसकी जो मोनोपोक चेसिस पे बनी हुई होती है और जो ये एसयू है ये आपको एक तो रेयर व्हील ड्राइव में मिल रही है सबसे अच्छी बात तो ये है ये गाड़ी आपको बॉडी ऑन लेडर पे बनी हुई मिलती है तो इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि दमदार है मतलब गाड़ी आजकल की एसयूवी से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही उनके सामने बहुत ऊपर आएगी और इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 2.0 लीटर का एम हॉक का इंजन मिल जाता है तो इंजन की परफॉर्मेंस तो सबको पता ही है कि स्कॉर्पियो की परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब होती है और इंजन तो इसका ऐसा है कि आप इसे दो दो तीन तीन लाख किलोमीटर चला लो और गाड़ी की इंजन में कोई भी काम नहीं आने वाला आपको एकदम फ्रेश इंजन रहता है तो रही इस गाड़ी की बात वैसे तो ये गाड़ी वो है आयोज जिसके बारे में जितना बोला दें उतना कम ही है तो अगर हम बात करें इसकी डिटेल्स की लाइक इसकी ऑनरशिप डिटेल्स क्या है कितना किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और किस प्राइसिंग में आज आप प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को ये गाड़ी गाड़ी जो है आपको ये फर्स्ट ऑनरशिप में मिल रही है और गाड़ी बहुत ही लेस ड्रिवन है ये सिर्फ चली हुई थर्टी 36,000 किलोमीटर सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी में जो है आपको आ, जो आज हम प्राइसिंग देंगे वो भी काफी अच्छी देंगे आज आपको ये गाड़ी दे देंगे हम मात्र साढ़े साढ़े ग्यारह लाख ,00 रुपए में साढ़े ग्यारह लाख रुपए में दो की एस फाइव आपकी गाड़ी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ओके तो वही सारी चीजें सा भी वारंटी और आपको सारे बैंकों से आपको इसमें फैसिलिटी मिलेगी लोन की और ऑल ओवर इंडिया में मिलेगी और इस पे बात करें वारंटी की तो इसमें आपको दो साल की ऑप्शनल वारंटी भी मिल सकती है आप इसमें दो साल के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहोगे अगर वारंटी आप लेते हो तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आप और ज़्यादा इन्फॉमेशन चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कॉर्डिनेट कर सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर हमारे शो हो रहे होंगे अगर आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव चाहते हैं तो आप हमारे शोरूम विजिट कर सकते हैं शोरूम एड्रेस आपको भी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा थैंक यू सो मच